हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का न्यू व्लॉग है क्रिसमस पे, तो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। चलिए और आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करिए। देखिए भैया वैम्पायर बने बैठे हैं, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग और आप लोग भी एंजॉय करेंगे। तो सबको सबसे पहले तो मैरी क्रिसमस और न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे समोसे के साथ में। ये देखिए ये भैया बना रहे हैं, इसमें मसाले भी डालते हैं और ये दाल और आलू का मिक्सचर भरते हैं इसमें, बहुत टेस्टी होता है। 20 रुपए के 8 समोसे मिलते हैं और इसके ऊपर ये अलग से कुछ मसाला भी डालते हैं, गर्म गर्म तुरंत जो है तल के देते हैं। ये देखिए बहुत टेस्टी, आप लोग भी खाइए, आप लोगों के लिए भी है। तो हम लोगों ने बहुत मस्ती की और चलिए इसी के साथ में दिखाते हैं। ये लोग तो बहुत शोर मचा रहे थे, भोपू बजा रहे थे, पूरा मतलब पूरा हजरतगंज जो है बस भोपू की आवाज़ से ही गूंज रहा था। तो सबसे पहले सब लोग चर्च में गए और फिर उसके बाद बाहर सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे सेफ्टी के लिए भी अच्छा था, मतलब सब लोग मास्क भी लगा के जा रहे थे। कुछ लोगों ने मास्क उतार रखा था, हम लोगों ने तो सिर्फ वीडियो के टाइम पे थोड़ा सा थोड़े टाइम के लिए उतारा था, बाकी मास्क लगा के रखा हम लोगों ने। और ये देखिए यहाँ पे ये भैया छोटी छोटी सी लैंप्स हैं, इसमें लाइट जलती, बहुत क्यूट लग रही थी लैंप और बहुत ही सस्ती थी। यहाँ पे हम लोगों ने भेल पूरी बनवाई और बहुत टेस्टी था। ये छोटा सा बच्चा था, वो बना के दे रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी मतलब बहुत टेस्टी लगता है। और ये देखिए यहाँ पे फिर हम लोगों ने थोड़ा सा मस्ती की, वीडियो बनाए, रील्स बनाए। और यहाँ देखिए जो सेंटा कपड़े पहनते ना वो भी लोग बेच रहे थे, ये लोग के लिए यहाँ पे भैया लेके जा रहे थे। और यहाँ पे देखिए सब मस्ती कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। कहीं परफॉर्मेंस हो रहा था, कहीं डांस परफॉर्मेंस हो रहा था, कहीं सिंगिंग का हो रहा था, तो सब लोग अपने अपने तरीके से इंजॉय कर रहे थे और हम लोग भी मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे भैया जो है क्रिसमस ट्री बेच रहे थे और कुछ कैप्स थी, क्रिसमस कैप, तो ये भी सब लोग खरीद रहे थे। और ये रॉयल कैफ़े, यहाँ तो बाप रे क्या भीड़ थी, बास्केट चाट खाने के लिए लोगों की भीड़ तो मतलब पूरा लाइन लगा हुआ था, नंबर ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी जो है नंबर आ जाए किसी का, सब वेटिंग में थे, बहुत ज़्यादा रश था इसमें। और वाकई बहुत टेस्टी होती है रॉयल कैफ़े, मतलब चाट वगैरह सब बहुत अच्छी होती है। तो जब भी आपका मन करे लखनऊ आए तो बास्केट चाट ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पे देखिए गर्ल्स के लिए स्पेशली लेडीजों के लिए मतलब बहुत सुंदर सुंदर से जो है इयररिंग्स और नेकलेस वगैरह बहुत अच्छा था, पेंडेंट पड़े हुए, वो लॉकेट वगैरह वाले वो चेन थी बहुत सुंदर लग रही थी, तो आप बहुत रिजनेबल रेट में थी, मतलब आप बाय कर सकते हो। और ये देखिए यहाँ पे हर्षी तो बस अपने सेल्फी में मस्त थी और सब लोग ऐसे ही मज़े कर रहे थे। फिर हर्षी को कीवी लेनी थी तो कीवी ले लिया, और कीवी भी बहुत सस्ती मिल रही थी, मतलब मार्केट में हम लोग जहाँ पे फ्रूट्स वाले मार्केट से लेते हैं वहाँ पे बहुत महंगा मिलता है, यहाँ तो सस्ता मिल रहा था तो हम लोगों ने वो भी ले लिया। और यहाँ पर फिर हम लोग इमली खाते हैं आप लोगों के लिए भी। और यहाँ पे ये कुछ मुझे मतलब टेबल रनर्स या फिर जो है जो स्टूल क्लॉथ्स होते हैं ना वो मतलब मिल गए थे, तो हम लोगों ने लिया, मैं दिखाऊंगी आपको। और ये देखिए यहाँ पे फिर मतलब मेरे पास में भाई मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा ये, तभी एक वीडियो आया जो कि मेरी कॉलोनी के आसपास से ही था, लगभग 2 किलोमीटर पे, तो वहाँ पे तेंदुआ आ गया था और उसने तो बहुत आतंक मचा रखा था, कई लोगों को घायल कर दिया है, तो हम लोग थोड़ा सा डर गए और फिर जल्दी जल्दी हम लोग निकलने की कोशिश किए कि बस जल्दी से घर पहुंचा जाए, बहुत डरावना सा लग रहा था। और इसने कई लोगों को काट भी लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है डर लग रहा है इसको देख के। तो सीसीटीवी फुटेज में कई लोगों ने देखा है और कई लोगों ने तो लाइव देखा है इसको, तो हम लोग फिर ये मतलब हुआ कि नहीं बस जल्दी से घर पहुँच जाया जाए, तो हम लोग फिर निकल लिए। तो अच्छा लगा घूम के, आप लोगों को भी अच्छा ही लगा होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ सबको फिर से मैरी क्रिसमस और ढेर सारी शुभकामनाएं सबको।
और ये डिनर इन्जॉय करिए। हम लोग बाहर तो थोड़ा बहुत खाए थे, फिर घर पे भी पैक करा के लाए और इसको इन्जॉय किए। तो इस तरीके से फिर व्लॉग की एंडिंग करते हैं और फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और नए साल में मिलते हैं और नया साल एंजॉय करिए। नए व्लॉग में फिर मिलते